फिर से स्वागत है आपका द वेराइटी स्टफ पे। मेरा नाम है भूषण। फिर से कल का ही सब्जेक्ट हम लोग रिवाइज करेंगे, जो हुआ था जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। फिर से सागर के वाणी पे एक और एपिसोड आया है जो कि बहुत ज़्यादा हिला देने वाला है, जो कि मेरी एक्सपेक्टेशंस जैसी थी टेक्निकल सागर से कि वो लोग वो एक्सपोज कर देंगे। उन्होंने काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी है टेक्निकल गुरुजी के बारे में, बट ये चीज़ें बाकी जो है बाकी तो मुझे नहीं पता। मैं खुद चाहता था कि ऐसा कुछ हो, हमें भी पता चले कि YouTube पे YouTube का सच क्या है, एग्जैक्टली क्या होता है YouTube पे, कितने बायस रिव्यूज़ मिलते हैं और कितने पैसे मिलते हैं एक रिव्यू के। और एक बंदा जो बहुत ज़्यादा लोग जिसे मानते हैं, उसकी बातें मानते, उसकी बातों की वजह से लोग सेलफोन्स परचेस करते हैं या बाकी रिव्यूज़ अच्छे लगते उन्हें, तो वो बंदा अगर ऐसा कुछ करता है तो ये बातें थोड़ी हिला देने वाली। थैंक्स टू टेक्निकल सागर की उन्होंने ये बातें मान ली, बट टेक्निकल गुरुजी के साथ जो भी इशू है वो इशू है, बट बाकी चीज़ों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था टेक्निकल गुरुजी ने, कि उन्होंने अपने जो फॉलोअर्स है, जो सब्सक्राइबर्स है, जो उनको ज़्यादा फॉलो करते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बायस रिव्यू, एक बायस रिव्यू से होता कुछ नहीं है। आप एक बायस रिव्यू दे देते हो, डॉलर्स कमा लेते हो अच्छे खासे, 1,000, 2,000, 5,000 डॉलर्स जो भी आप कमाते हो, वॉट एवर, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। बट होता यह है कि गलती से आप जो बोलते हो हम वो कर देते हैं। काफ़ी आपके फॉलोअर्स हैं टेक्निकल गुरुजी जो आपके सिर्फ एक बात से वो सेलफोन परचेस कर लेते हैं, और हाँ वो गलत निकल जाता है तो आपको भी दोष नहीं दे पाते, क्योंकि आप जो बोलते हो वो शायद आपके हिसाब से सही था, बट उनके हिसाब से जब हाथ में फ़ोन आता है तो गलत हो जाता है। इसीलिए जब आपने ही कहा था अनबायस्ड वीडियोस, अनबायस्ड रिव्यूज़ देना अच्छी बात होती है, और आप ही बायस्ड रिव्यू दे रहे हो तो ये गलत बात होगी। टेक्निकल सागर से बोलना चाहूँगा कि टेक्निकल सागर, आपने जो भी डाला है यूट्यूब पे, आपने जो प्रूफ अपलोड किए हैं, थैंक्स अ लॉट फॉर दोज प्रूफ्स, क्योंकि वो प्रूफ से हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई है। अगर जैसे आपने बोला था टेक्निकल गुरुजी से कि अगर आप बात करके सॉर्ट आउट कर लो तो बेटर हो जाएगा, माफ़ी मांग लो, तो शायद नहीं होगा ऐसा कुछ, और बहुत बुरा लगा ये चीज़ें सुन के कि आपके चैनल पे 2 स्ट्राइक्स आ गई है पहले ही, और एक और आ सकती है, और अपलोडिंग भी आपकी बंद कर दी गई है। ये चीज़ गलत है यूट्यूब पे जो चल रहा है। प्लीज़ आप ये जो भी आपका मैटर है सॉर्ट आउट कर लीजिए। बात यह है कि कौन कितना कमाता है, इससे किसी को कोई लेना देना है नहीं, बट कोई किसी के पर्सनल लाइफ में अगर जाता है तो उसमें सफ़र होने वाले बहुत लोग होते हैं। आपका एक्चुअल इंट्यूशन क्या है मुझे पता है, आपको क्या लगता है इस बारे में ये भी हम समझ सकते हैं। और छोटे छोटे यूट्यूबर्स हम भी एक दूसरे से बात करते हैं, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है फ़िलहाल की कंडीशन में कि आप झगड़ रहे हो या आपका जो भी चल रहा है। हमारा भी ऐसे ही चल रहा था कि अगर आप लोग ये रिजॉल्व कर लो जल्दी से जल्दी। एक्चुअली हम भी हिल गए थे कि अगर आपने जो भी प्रूफ डाले, सुबह सुबह मेरी एक यूट्यूबर से बात हुई जो कि काफ़ी क्लोज़ है हमारे, काफ़ी दिन से बात हो रही है, तो वो भी हिल गए थे। उन्होंने भी किसी बड़े यूट्यूबर से बात की और उन्होंने जो प्रूफ देखे आपके चैनल्स पे वो भी हिला देने वाले थे कि जी हाँ, जो हम जो समझ रहे थे थोड़ा गलत है, और ये बहुत ज़्यादा गलत है, थोड़ा गलत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए कुछ स्कोप बचता नहीं है फिर किसी चीज़ को लेके। तो फिर भी हम मेहनत करते रहेंगे। बाकी गौरव चौधरी जी को देख के, स्मार्ट रिपोर्ट वाले धर्मेंद्र जी को देख के बहुत कुछ सीखने मिलता है, वैसे ही आपसे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने मिलती है। तो आपने जो किया है बहुत ज़्यादा अच्छा किया है। हम लोग चाहेंगे कि आप इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करो, आपका जो इश्यू है जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए, और टेक्निकल गुरुजी भी जल्दी से जल्दी अपने रूटीन लाइफ में आ जाए और बिजी हो जाए। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टेक्निकल गुरुजी, ही इज़ गेटिंग मैरिड रियली वेरी सो। सो बाकी भी चीज़ें अच्छी चले, हर किसी का अच्छा हो, बस यही कहना है, और जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाए ये इशू आपका, यही भगवान से प्रार्थना रहेगी मेरी। और थैंक्स अ लॉट, कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना। दिस इज़ भूषण शाइनिंग आउट। थैंक्स अ लॉट, यू आर वॉचिंग द वैराइटी स्टफ, कीप सब्सक्राइबिंग मी एंड थैंक यू, गुड बाय।